अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर, मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के दक्ष लक्षण होते 10, 10, धीति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत और संतोष, ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपल्सरी, करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी, एक है फर्ज जो करना चाहिए कंपल्सरी, दूसरा है मुस्तब या लोग कहते सुनना, अने करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबा, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरू, अने नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करें। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर, पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने, 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया था। भाई साहब, आप मानते कि खुदा एक है? जी सर, मानते खुदा एक है। जी, आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं, खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते, तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल्कि अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ, तो हम लोग भी कल्कि पुराण, ऋग्वेद, कल्कि पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। तो मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास, बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। बाकी नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए
मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, लेकिन मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नो सर, आप अपने मन से जी सर और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं जी सर, तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु व अशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए, और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह शुक्र।